थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे। थोड़े से बच्चों के वास्ते एक बगीचा है, उनके पांव धूप पर दौड़ रहे हैं। उनके पांव धूप पर दौड़ रहे हैं। थोड़े से बच्चों के वास्ते एक बगीचा है, उनके पांव धूप पर दौड़ रहे हैं। असंख्य बच्चों के वास्ते कीचड़, धूल और गंदगी से पटी गलियां हैं, जिनमें वे अपना भविष्य बीन रहे हैं। एक मेज है सिर्फ 6 बच्चों के बीच, और उनके सामने उतने ही अंडे और उतने ही सेब हैं। एक कटोरदान है 100 बच्चों के बीच, और हजारों बच्चे एक हाथ में रखी आधी रोटी को दूसरे से तोड़ रहे हैं। सिर्फ कुछ बच्चों के वास्ते एक आकर्षक स्कूल और प्रसन्न पोशाकें हैं। बाकी बच्चों का हुजूम टपकों के नसीब में भटक गया है। उनकी फटी चड्ढी उन्हें सीधा खड़े होने से रोक रही है। ढेर सारे बच्चे सार्वजनिक दीवारों पर अपशब्द लिख रहे हैं। ढेर सारे बच्चे बीड़ी के अध्यय ढूंढ रहे हैं। ढेर सारे बच्चे होटलों में कब बसियां रगड़ रहे हैं। उनके चेहरे मेमनों की तरह दयनीय हैं, और उनके हाथों और पांव की चमड़ी हाथ और पांव का साथ छोड़ रही है। अखबार के चेहरे पर जिस वक्त 3 बच्चे आइसक्रीम खाते हंसते हैं, उसी वक्त 20 पैसे में सामान ढोने के वास्ते छिपते बचते बच्चों के पुट्ठों पर पुलिस वालों की बेचे उमच रही है। उसी वक्त पुलिस वालों की बेतें उमचती हैं। ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोर्ट से गड़ने लगती। सत्य होता तो वह अपनी न्यायाधीश की कुर्सी से उतर जगती सराखें आंखों में खुपस रहता। सुंदर होता तो वह अपने चेहरे पर तेजाब पोत अंधे कुएं में कूद गया होता। यहाँ दृश्य में कुछ छपे हुए शब्द हैं। चापलूसी की नान में रपरपाती जुबानें और मस्तिष्क में स्याह गणित का पैबंद है। सख्त चेहरे हैं चौराहों पर तने हुए, पत्थरों पर खुदे हुए सुभाषित वाक्य हैं, और 5 बच्चे तबला बजा रहे हैं, 2 बच्चे सितार सीख रहे हैं, 1 बच्ची कथक में थिरक रही है, और ढेर सारी बच्चियां गोबर गीत ढूंढते रहने के बाद अंधेरे में दुबक रही है। लड़कियां नदी, तालाब, कुआं, घासरेट, माचिस, फंदा ढूंढ रही है। और इसी वक्त एक लड़की चेहरे की स्निग्धता बाबत रेडियो से नुस्खा बता रही है, और असंख्य बच्चे अंधेरे के बोगदे की तरफ दौड़े जा रहे हैं। उनकी याददाश्त में इस वक्त चीख और रुदन की गिड़गिड़ाहट की हिंसा है। उनकी याददाश्त में इस वक्त चीख और रुदन और गिड़गिड़ाहट की हिंसा है। उनकी आंखों में भक्कर की छीना झपटी और भागम भाग का पैबंद इतिहास है। उनके भीतर शब्द रहित भय और सिर्फ जख्मी आज है, पर वे शायद अभी जानते नहीं वे पृथ्वी के बासिंदे हैं करोड़ों, और उनके पास आवाजों का महासागर है। पर वे शायद अभी जानते नहीं वे पृथ्वी के बासिंदे हैं करोड़ों, और उनके पास आवाजों का महासागर है, जो छोटे से गुब्बारे की तरह किसी भी वक्त फोट देगा अंधेरे के सबसे बड़े बोगदे को। अरे बहुत क्या बात, अंधेरे के सबसे बड़े बोगदे।